आज फिर प्राण लगो पीठ, पूरा घर समझा समझा के पगला भाव जा रहा हूँ, मानो तो मैं समझ में नहीं आ रही। एक आध पंगा छोड़ भी दे हो तो कछ ऊपर लाए नहीं आजे। जब 3 दिन में 5 पंगते फटकार हो सुपीठ तो परे है ही। तुम्हारे तो यार पेट के पीछे ऐसे परे रहे जैसे मैंने बाल बच्चों होने हुई। तो फिर ऐसे सड़े पपीता घाई सकल बना के काय बैठी। इंटरव्यू है यार इंटरव्यू, वही की टेंशन में दारी रोटी नहीं गुटकी जा रही। इंटरव्यू काय को इंटरव्यू? तो फिर जा रहा है यार बिट्टू हमें। अरे उसमें पहले तुम जा बताओ तुमने कहा गेम जी में खेलो है, अगर नहीं खेलो तो तुम गेम खेला खेला पैसा कमाने का मौका मिस कर रहे। गेम जी पे फैंटेसी क्रिकेट तो हतो ही, और अब रमी और पोकर जैसी कार्ड गेम खेल के चंद मिनटों में लाखों जीत सकत। और अगर ऑफिस हो या कॉलेज की ब्रेक में आराम करने हो तो लूडो पूल कैरम जैसी आसान गेम खेल के अपने आराम के ब्रेक को पैसों के ब्रेक में कन्वर्ट कर दो। एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है, रमी में आवे कछु बड़ा हो रहा है गेम जी में, कहूँ तुमने सुनो ना हो? जी हाँ, गेम जी में 0% कमीशन पर रमी स्टार्ट होगा। उसको मतलब अगर आप गेम जी में रमी खेल हो तो प्लेटफॉर्म कमीशन कछु नहीं देने, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा सीधे अपने जेब में। और इतना नहीं, अपने जीते भाई पैसा को पेटीएम IMPS बैंक ट्रांसफर कर सकत बस 5 मिनट में। और अगर अभी साइन अप करो तो तुम्हें मिले 10,000 रुपए को साइन अप बोनस। तो और का चाहे तो जो ले हमारा कोड और एक्स्ट्रा 50 रुपए डालो 500 रुपए को बोनस। कोड है YT50। भाई लिंक से अगर डाउनलोड करो तो तुम्हें टाइम टू टाइम ऑफर भी मिले, तो बस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो शुरू हो जाओ। चलो ठीक है, करा था इंटरव्यू दे। गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। इंटरव्यू काय को इंटरव्यू? अरे एक कंपनी है यार इलाहाबाद से आई है, अपने तई दमोह में प्रोजेक्ट चल रहे हैं कछु, कोई काम मिल रहा। बड़ी खतरनाक पकड़ है यार तुम्हारी, कहां इलाहाबाद कहां दमोह, कैसे मान गई सेटिंग? अरे बे सुरेश चाचा की बुआ को लड़का है वो, वही के जीजा जी के मौसिया को मोड़ा है वो कंपनी में। सो अब तुम खुद बताओ वो अपने को लगो। इतने हम रीजनिंग सॉल्व कर भी नहीं बैठे, हमें जा बस समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी में सेटिंग कैसे मान गई। बेसब किस्मतों किस्मतों की बात है, अपनी जान पहचान को आदमी है तो बन गई सेटिंग। तुझे देखा तुझे नौरों हैं क्या देख रहे? अरे हम जाई सोच रहे थे के इंटरव्यू के बाद कैसी शकल बना के वापस लौटो, कैसे पास हो तो? अरे भाई सोच सोच के तो हम पगला भाई जा रहे यार। एक तो जिंदगी को पहलो इंटरव्यू है। खैर जो भी होए जैसा भी होए जय है तो ही। भैया ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैसा कितने बजे से हैं? 2 बजे से। 2? तो यार फिर अब बहुत टाइम है, जब तक तैयारी कर ले। तैयारी? और अब जा बताओ, वे 10 बजे हैं और वैसे भी कंपनी बारे गांव में ही आ रहा है, सो जब तक तैयारी कर ले। तैयारी तैयारी तो तुम ऐसे बहन जैसे हमें होते अखाड़े में जाने होगी। अरे अखाड़ो नहीं यार, इंटरव्यू में कैसे पास होने हो, कितना सी प्रैक्टिस कर ले।
प्रैक्टिस को करवा है प्रैक्टिस। हम ओरे हे जे आजकल की लोमड़ी शेर खो शिकार से को है जी। 1980 के डायलॉग ने मारो। काम की बात सुनो, कल रात में हमने यूट्यूब पे इंटरव्यू की पूरी टेक्निक देख लाई। ए मोरे प्यारे भैया जल्दी बता दे यार कैसो का करने जल्दी। कितो प्यारो मजा बनो रे, कितना धन हो गई, जल्दी बता दे यार। अरे हमने बते हैं, तुम बताओ हमें तुम का कर होते जाके कैसे दे हो इंटरव्यू, फिर हम बते हैं कि का गलती कर रहे तुम। ठीक है तो फिर बताओ का करें। मान लो हम तुम्हारे साहब आए जोन इंटरव्यू लेवे आए हैं और जॉब और रूम आए जोन में इंटरव्यू हो रहा हूँ और तुम बाहर खड़े खड़े इंतजार कर रहे हो कि कब हमारा नंबर आए, और अब तुम्हारा नंबर आ चुको है और तुम्हें अंदर आने हैं, सो जाओ और अंदर आओ। साहब बैठे हैं मतलब इतने। तो मतलब इतने बैठे साहब आ रहे हैं। आए अब हाउ जो का है यार, बेलाइयों का इनका आ रहा है, यह भड़े आई कर भी आ रहे हो। हिम्मत ले आओ अपने अंदर, हिम्मत हिम्मत, और बिना हिम्मत के इंटरव्यू थोड़ी होत। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम्हारे साहब तुम्हें सामने बैठा के सवाल कर रहे तुमसे, तो कैसे जवाब दे हो उनको। सामने बैठा रहे पहले तो सामने बैठो। जब मलेरिया घाई शकल का है बना रहा यार, बेबी इंसान अइया है। अरे तो इंसानों में और साहबों में अंतर होते दद्दा, इंसान और साहब। हाँ तो साहब आए, सांप थोड़ी आए जो चट के काट के। हिम्मत ले आओ माला, काहे ऐसी हरकतें कर रहे जैसे आओ पर रही हो। ऐसी अदमारी सी शकल लेके जे हो सो कोई सिलेक्शन न कर है। हिम्मत बारो आदमी चाहने ऐसो मरो मराओ नहीं चाहने जैसा खा भी न मिलो हो। हिम्मत बारो तो अब सिलेक्शन हुई है, देखते हैं ब्रह्मांड की कौन सी ताकत इंटरव्यू में फैल कर रही। जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी।
साहब, जयराम जी मंजले साहब, और जयराम जी चूतिया के शकल के साथ। क्या अरे तो साची कह रहा है, और साची के बे चाहे हिम्मत हमें हिम्मत कूट कूट के मारी है। What is this? बात भटा है भटा मटा नहीं खात रे जो को भात है भटा बहुत चटा हो गया। अब चुपचाप बैठो, इंटरव्यू चल रहा है, मजाक नहीं। हाँ तो आप अपना नाम बताएं। हम हैं बुंदेली बॉय, नाम आशीष उपाध्याय। और सुनो, गांव में अपनी चलती बिल्कुल नहीं है, मनो चाहत सबरे हैं जरत को नहीं। और सबरे के थे अपन से गुरु, और करो अब इंटरव्यू शुरू। कहाँ से हैं आप? अरे तोरी का कहें लजवा दाव रे, पढ़ाई का झकमरावे करी थी, ये कागज उड़ी बांधवे नहीं धरे, इनमें देखो साफ साफ लिखो है सागर के हम सागर। अच्छा सागर से हैं आप, तो सागर की कुछ खास बात? खास बातें तो बहुत होतेगी मनो, सोचना पड़े। सबसे ज्यादा खास बात, सबसे बड़ी खास बात सुना, कुछ क्षणों को समय दो आप सब, तो फिर हम सोच के बताएं। हाँ, जहाँ साफ सुथरी जगह दिखाते हैं मोरे वहीं पिचकारी मार दे। पिचकारी? अरे हम तो जा कह रहे कि अगर ताजमहल हमारे ना हो तो हमारे लाल किला में कन्वर्ट कर देते हूँ पिचकारी मार मार के। ऐसी कौन सी पिचकारी है आप लोगों के पास? रास्त्री की। रास्त्री? और रास्त्री की पिचकारी यार, तुम्हारे का रास्त्री के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखा? धक्का है यार, इतने बड़े अधिकारी रास्त्री को नहीं जान रहे, तो पिचकारी के बारे में का प्रैक्टिकल ही बताने पर। रुको, ये क्या बकवास है? अरे बकवास नहीं दद्दा, थूका है वो भी हमाओ। शिवकान सर जी, जरा गेट बंद कीजिए। हाँ हाँ करके आओ, फालतू में भाई रास्त्री बसा जैसे आज मांग भी, वैसे भी मांग व्यवहारों की कमी नहीं है। रास्त्री के चटा पर Mm-hmm.